नमस्कार, मैं हूँ दिव्यांका त्रिपाठी दहिया और मैं क्राइम पेट्रोल सतर्क के विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। बोल बोलते हुए दर्द हो रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। क्या कहते कि क्यों हुआ है मेरे साथ? कोई सुन रहा है? जी रहा है मुझे, जी रहा है। सर, सर इस लॉकडाउन में प्रदूषण ही नहीं, क्राइम भी कम हो रहा है। एकदम ठीक बोला गुप्ता, पिछले एक महीने में सिर्फ 3 मर्डर और 2 रेप केस रिपोर्ट हुए अपने थाने में। हेलो, क्या ये पकड़? हाँ सर। एक ऐसा साल जिसने दुनिया भर में लोगों की आदतें, सोच और पूरी की पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। कोरोना के पहले की और बाद की जिंदगी में तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं हम सब। एक तरफ हमारा देश लॉकडाउन से निकलकर अनलॉक की तरफ बढ़ रहा था, वहीं एक ऐसी घटना हुई जिसने इंसानियत को शर्मसार ही नहीं किया बल्कि हमारे समाज के सामूहिक चरित्र पर सवालिया निशान लगा दिए। हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पे काफी वायरल हुआ था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। बीच बाजार में एक लड़की को गोलियों से छलनी कर दिया गया, लोग तमाशबीन बने रहे, कोई बचाने नहीं आया। ये अपराधी इस तरह की हिम्मत, ये दुस्साहस कहां से लेकर आते हैं? और ज्यादा डरावनी बात यह है कि जुर्म के ऐसे वारदात अब हमें चौंकाते भी नहीं, जैसे कि अब हम आदी हो चुके हैं इनके। ये केस सिर्फ एक हिंसक अपराध को नहीं दर्शाता बल्कि ये हमारे अंदर पनप रही असंवेदनशीलता को भी उजागर करता है। ये केस 2020 के भारत की एक डरावनी तस्वीर दिखाता है। जंग दो देशों के बीच में नहीं है, जंग औरत और जुर्म के बीच में चल रही है। कौन थी वो लड़की जिसके साथ ये सब हुआ? क्यों की गई थी उसे खामोश करने की कोशिश? अंकुर की कहानी से हमें एक सबक मिलता है। बचपन से ही लड़कों को टफ बनाने की नसीहत दी जाती है। हम लोगों ने तो काम भी जेंडर में बांट दिए हैं। अब कोई लड़का कुकिंग या सिलाई में इंटरेस्टेड है तो है, काम का कोई जेंडर नहीं होता। Am I right? अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में एक ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के साथ। अंकिता, कॉलेज के लिए देर हो रही है बेटा, जल्दी करो। आई माँ। कैसी टीचर है ये, कॉलेज में बच्चों को पढ़ाती है पर खुद के सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। अरे वाह मम्मी, आलू पराठा गरम है। अरे विमल ये क्या कर रहा है? ये तेरी दीदी के लिए है, उसे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है बेटा। सब अंकिता दीदी के लिए, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। पहले अंकिता की तरह मेहनत कर और अपनी पहचान बना, है ना? उसके बाद तुझे भी रिस्पेक्ट मिलेगी, हमसे ही नहीं बाकी सबसे भी। अरे पापा क्यों प्रेशर डाल रहा है विमल पर? विमल तेरे लिए बाद में बनाती हूँ, ले तू खा लो बेटा। अंकिता सारे स्कूल और कॉलेज के लेक्चर ऑनलाइन चल रहे, तेरा कॉलेज ही अजीब है। अरे तू भी तो घर से ऑनलाइन क्लासेस कर सकती है ना, है? बेटा फिक्र होती है तेरी। पापा फिक्र की कोई बात ही नहीं है, हम सारे गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। क्लास में सिर्फ 10 बच्चे ही अलाउड हैं और हम सोशल डिस्टेंसिंग भी अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। वैसे भी पापा स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर है ना, तो उनके करियर का सवाल है। सबकी फिक्र करती है, थोड़ी अपनी भी फिक्र किया कर, उसके लिए आप लोग हो ना। गुस्सा नहीं अभी, तरस आ रहा है, वो भी तुम्हारे फ्यूचर पे। अब पढ़ाई पे ध्यान दो। देखना कैसा है। ओह माय गॉड, फोटो पे थोड़ा सा काम करना है। ये क्या है? आपका नाम तो लिखा नहीं है मैंने, और वैसे भी आप इतनी सुंदर नहीं हो कि मैं आपकी फोटो बनाऊंगा।
सके था, बस तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती, आखिर बच्चे ही तो हैं। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। भैया भैया भैया, आप मेरे को मोती नगर तक छोड़ दोगे क्या, आगे तक? अरे भाई तुम गलत रास्ते पे हो, मोती नगर उधर है। अरे भाई गलत रास्ते पर तो तुम आ गए हो। Everyone, please pay attention. ये theory पिछली बार exams में आई थी, so बहुत मजा आ रहा है ना आप लोगों को, लेकिन याद रखना 25% marks internal हैं, वो internal के मुझे आपको देने हैं, आपके ये class performance के according। ये अभी मेरे हमको धमकी दे रही है। धमकी नहीं दे रही हूँ, सच कह रही हूँ। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हैं। Yes, not interested. तो चलो आज फिर कुछ बातें कर लेते हैं। चलो बातें करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि मैं अपना एक सीक्रेट आप लोगों से शेयर करूंगी और उसके बाद आप अपनी बातें मुझसे शेयर कर सकते हैं। जब मैं 16 साल की थी तभी आपको पहला प्यार हुआ था, है ना मैडम? जब मैं 16 साल की थी तब मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। अंकिता मेरी बात तो सुनो, लिसन टू मी प्लीज। अंकिता कितनी बार सुनूं मैं तुम्हारी बात, जवाब भी तो दे चुकी हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अंकिता मैं अपने भाई जैसा नहीं हूँ, वो तुम्हें देखने आया, पापा ने दहेज मांगा, गलत किया, लेकिन तुमने उनका जिस तरह से जवाब दिया, तुम्हारी उसी बहादुरी की वजह से मुझे तुमसे प्यार हो गया। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ नवीन, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज मेरा पीछा मत करो प्लीज। अंकिता मेरी अभी आ रही हूँ। हाँ दिन दहाड़े पब्लिक प्लेस में एक लड़की पर गोलियां चलाई गई। गोलियां मारने वालों का मंसूबा साफ था, उन्हें उस लड़की को मारना था। एक के बाद एक उस पे गोलियां दागी गई। गोलियों की आवाज, लड़की की चीख, खून का वो मंजर कई लोगों ने देखा और वो बस देखते ही रहे, और लड़की वहां सड़क पर पड़ी पड़ी तड़पती रही। किसी ने कुछ नहीं किया। अरे क्या हो गया इसे? कोई मार कर चला गया। अरे लड़की जिंदा है, इसे अस्पताल ले जाते हैं। अरे कोई मदद करो, मेरी मर जाएगी ये।
अरे इसकी जगह तुम होते और कोई नहीं देखता तो? अरे भाई चलो मेरी गाड़ी में बिठा दो, चलो जल्दी ले लो, चलो चलो जल्दी। यहाँ से मैं भागते हुए आया, फिर देखा तो यहाँ पे एक वैन खड़ी हुई थी, फिर साहब यहाँ पे लड़की की लाश पड़ी हुई थी साहब। और वैन का रंग हल्के हरे रंग की थी साहब। वो लड़की कौन थी कुछ आईडिया आप? नहीं साहब उसको तो मैं नहीं जानता। सर मैं लड़की की चीख सुनकर यहाँ भाग कर आई, देखा तो दो लड़के गाड़ी में बैठ कर भाग गए, वहाँ देखा तो लड़की पड़ी थी। आप लड़की को जानती? नहीं सर मैं नहीं जानती। दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर अलर्ट भेजो, कोई भी हल्के हरे रंग की वैन बिना चेकिंग के बॉर्डर क्रॉस नहीं करनी चाहिए। यस सर। लड़की को कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए? लड़की अभी कोमा में है, 5 गोलियां लगी थी, 2 पैर में और 3 चेस्ट और स्टमक में। बस तो जाएगी ना? अभी ये कहना मुश्किल है, लड़की की सांस अभी तक चल रही है ये एक मिरेकल ही है। ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज्ड हैं। एक तस्वीर ले सकते हैं? हमें शिनाख्त के लिए जरूरत है। जी आइए। सर ये देखिए, इस लड़की का वीडियो सब जगह वायरल हो रहा है। एक बात होता है, ये लड़की को उठाने आए थे, लड़की ने मना किया होगा और गोली मार दी। सर लड़की जब वैन से निकली तब उसका पर्स और मोबाइल उसके पास नहीं था, वैन में ही रह गया। अगर होता तो पहचान करने में आसानी होती। अब आसान हो या मुश्किल, शिनाख्त तो करनी होगी ना। जी सर। ये तस्वीर उस एरिया में सब जगह सर्कुलेट करो, आई एम श्योर कोई ना कोई इस लड़की को जरूर पहचानता होगा। यस सर। ये शूटआउट जो बीच सड़क में हुआ एक सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर तो हुआ, लेकिन सही हाथों में पहुंचने की जगह ये क्लिप एक स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन के चक्कर लगाती रही। शूटआउट में मची अफरा तफरी ने क्राइम सीन को कॉन्टामिनेट कर दिया था। अगर टाइम से पुलिस को वो सीसीटीवी फुटेज मिला होता तो शायद वो टाइम पर गुनहगारों को पकड़ पाते। पुलिस से भारी चूक हुई थी, लेकिन जिन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे वायरल किया उनकी भी कोई नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए थी ना। शायद उन्हें तय करना चाहिए था कि ये वीडियो पहले उनके दोस्त के पास पहुंचना चाहिए या पहले पुलिस के पास पहुंचना चाहिए। यहाँ पे जो घटना हुई इसी सीसीटीवी फुटेज की है ना? नहीं मैम। झूठ बोलता है, वो वीडियो इसी सीसीटीवी फुटेज का है, एविडेंस है ये। पुलिस को देने के बजाय तूने उसे फॉरवर्ड कर दिया, एविडेंस को वायरल कर दिया तूने। मैंने तो सिर्फ अपने दोस्त को शेयर किया था, मुझे नहीं पता ये आग की तरह कैसे फैल गया। ये वही लड़की है जिसको गोली मारी गई थी। अब इसका चेहरा देख और सच सच बता, जानता है इसे? हाँ मैडम, इन्हें रोज NRS कॉलेज की ओर जाते देखता हूँ। उस कॉलेज में स्टूडेंट है या टीचर ये नहीं पता। 190 रुपए बहन जी। अरे ओ बहन जी, अपने छुट्टे पैसे पे लेके जाइए। ये तो अंकिता है, असिस्टेंट प्रोफेसर है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, वो ठीक तो है ना? सर हालत बहुत नाजुक है, वी नीड टू गेट इन टच विद हर पेरेंट्स। आपके पास उसके पेरेंट्स का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर होगा, प्लीज दीजिए। क्या अंकिता अस्पताल में है? आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। जी मैं बस अभी आता हूँ, पहले आप ये बताइए कौन से अस्पताल में है वो।
कैसा लग रहा हो? एकदम हीरो जैसा। मैं तो ऐसा ही। पंकज, क्या चल रहा है ये सब? मैं तो बस ऐसे ही। एक मिनट, और तू क्या मेरे बॉयफ्रेंड पे डोरे डाल रही है? अगली बार अगर तू उसके आसपास भी दिखी ना, तो तेरे इस बालों में ना मैं चिंगम चिपका दूंगी। अरे हम तो बस टाइम पास कर रहे थे। शांत रह, तू निकल यहाँ से, हट। और तू टाइम पास कर रहे थे, हाँ? तुम्हारा ना बहुत हो गया, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। आई हेट यू। अंकिता, सर अंकिता बहुत ही मेहनती लड़की थी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कोई इस पर गोली क्यों चलाएगा। अंकिता का किसी से कोई अफेयर, कोई झगड़ा? सर कंफर्म तो कुछ नहीं पता, लेकिन कई टीचर्स का मानना है कि दीपांकर और अंकिता के बीच में कुछ था, और पिछले 15 दिन पहले कुछ। बस मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, अब आइंदा से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। सर मैंने अंकिता को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा, जरूर दीपांकर ने कुछ गलत किया होगा। मैंने अंकिता से बात करने की कोशिश भी की, पर उसने टाल दिया। सर वो प्रोफेसर दीपांकर। सर अंकिता एक अच्छी प्रोफेसर है, शुरुआत में स्टूडेंट उसे काफी तंग करते थे, लेकिन उसने उन्हें बहुत प्यार से समझाया। लेकिन मैं प्यार की नहीं, तकरार की बात कर रहा हूँ, वो तकरार जो आपके और अंकिता के बीच में था। ऐसी कोई भी तकरार नहीं थी, बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? वो मैं अंकिता को लेकर काफी कंसर्न था, कुछ बदतमीज स्टूडेंट्स थे जो अभी भी बाज नहीं आ रहे थे, वो अंकिता को टीज करते थे। एक दिन मैंने उन्हें बहुत डांटा, स्ट्रिक्ट वार्निंग भी दी, लेकिन अंकिता उल्टा मुझ पर गुस्सा हो गई। मैंने मांगी थी क्या तुम्हारी हेल्प? नहीं ना, और मैंने कहा था ना कि मैं हैंडल कर लूंगी। लेकिन अंकिता वो लड़के अपनी बाउंड्री क्रॉस कर रहे थे, अगर उन्हें रोकता नहीं ना तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाती। दीपांकर मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, इनफैक्ट 16 साल की उम्र से अपने सारे प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर रही हूँ मैं, और मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कोई भी हेल्प, प्लीज। लेकिन अंकिता, बस जितना मुझे कहना था मैंने कह दिया है, अब आइंदा से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। बस सर इसी बात को लेकर थोड़ी नाराजगी थी, बाकी हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अच्छा स्टूडेंट्स को अंकिता से क्या प्रॉब्लम थी? सर शुरुआत में जब अंकिता यहाँ आई थी तो स्टूडेंट उसे सीरियसली नहीं लेते थे, उसे बहुत तंग करते थे, लेकिन अंकिता ने बहुत प्यार से सारी सिचुएशन को टैकल किया, जो उसे चढ़ाते थे बाद में वही स्टूडेंट उसके फैन बन गए थे सर। तो 5-फैक्टर थ्योरी में किसी को कोई डाउट है क्या? नो मैम। एक्रोनिम याद रखना, ओशन ओशन, ओ फॉर ओपननेस, सी फॉर कॉन्शियसनेस, ओके? किसी को कोई डाउट? नो मैम। सर अंकिता सबकी फेवरेट बन गई थी। इस प्रोफेसर की बातों पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं। डिटेल्स ने क्लास की। ओके सर। सर अंकिता से काफी प्रोफेसर जलते होंगे, एक तो 10-15 साल छोटी लड़की और स्टूडेंट्स के बीच में ज्यादा पॉपुलर, और सैलरी भी उनके जितना कमा रही थी। सो दैट डजंट मीन कि कोई उसको गोली मार। सबकी डिटेल्स निकलो, पियान, लाइब्रेरी क्लर्क, सबसे बात करो। ओके सर। सर अंकिता जिन लोगों के लेक्चर्स ले रही थी उन सबसे भी बात कर रहे हैं, उन सबकी डिटेल्स निकलवाई है। और अंकिता के साथ एक दूसरी लड़की थी, उसके बारे में जल्द से जल्द पता करो, वो इस केस की अहम कड़ी साबित हो सकती है। ओके सर। अंकिता सॉरी, प्लीज प्लीज अंकिता। वो मेरी बेटी अंकिता, वो अंदर है, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे एक बार उसे मिलना है। ऑपरेशन चल रहा है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। ऑपरेशन? किस बात का ऑपरेशन? गोली लगी है ना उसे। गोली? हाँ। किसने मारा मेरी बेटी को? ये क्या बोल रही है? मुझे एक बार उसे मिलना है, मुझे उसे मिलना है, मैं कह रहा हूँ मुझे उसे मिलना, मैं आपके साथ आज। क्यों नहीं मिल सकती? मिल सकते हैं, आ जाओ। गायत्री,
अनुसार जो खबर आई है उसमें अभी जो लड़की मौत और जिंदगी के बीच में झूल रही है उसका नाम अंकिता सिंह है। अंकिता? दीदी? सब पूरी प्लानिंग की गई थी, नंबर प्लेट भी फेक लगाया हुआ था, असली नंबर के आखिरी 3 डिजिट 031 दिखाई दे रहे हैं सर। जितने भी गाड़ियों के लास्ट डिजिट 031 है सबकी स्कैनिंग करो। एक मिनट, गाड़ी की नंबर प्लेट के साथ छेड़खानी की गई है तो हो सकता है 08 हो। जितनी भी गाड़ियों के लास्ट डिजिट 031 831 है सबकी स्कैनिंग करो। ओके सर। सर, अंकिता के साथ जो दूसरी लड़की थी उसकी फोटो आसपास के एरिया में शेयर की है, खबरियों से भी कहा है, जल्दी कुछ पता लगना चाहिए। अंकिता के स्टूडेंट्स, उनसे बात है? सर, एक लड़का है जिगर, वो कुछ कहना चाहता है। अंकिता मैम बहुत अच्छी थी सर, पहले मैं उन्हें बहुत परेशान करता था, की जगह कोई और टीचर होती तो वो मेरे घर पे कंप्लेन करती थी या फिर मुझे सस्पेंड करवा देती, लेकिन अंकिता मैम ने ऐसा नहीं किया। वो हमेशा हमें समझने की कोशिश करती थी, वो हमारी दोस्त बन गई थी सर। हमारी क्लास का हर स्टूडेंट मैम से कुछ भी शेयर कर सकता था। वो मैम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। हाँ बोलो जी। का वो मैम जिगर, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बताओ। हाँ तुम पहले बैठो, बैठो। मैम जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था ना तो मुझे ना बोर्डिंग स्कूल भेजा गया था। वहाँ एक दिन ना मेरे जो सीनियर स्टूडेंट्स थे वो रात को मेरे कमरे में आ गए और फिर मेरे कपड़े फाड़ दिए और जिगर तो बहुत ब्रेव हो जिगर, बहुत ब्रेव हो। एक बात मानोगे मेरी, ये बात अपनी फैमिली से शेयर करो। अगर अपनी फैमिली से छुपाओगे ना तो अंदर ही अंदर घुटते रहोगे। यू हैव टू रिलीज योरसेल्फ फ्रॉम द ट्रॉमा। और मैं अकेला नहीं हूँ सर, आप मैम का ब्लॉग पढ़ेंगे तो आपको कई सारे स्टूडेंट्स की ऐसी स्टोरीज मिलेंगी। मैम हमारे नाम बदलकर हमारी स्टोरीज अपने ब्लॉग पर शेयर करती थी ताकि दूसरे स्टूडेंट्स उसे पढ़ के मोटिवेट हो सके और अपने अंदर के फियर से फाइट कर सके। कौन सा ब्लॉग? अंकिता की कॉल डिटेल्स आ गई है। 2 नंबर है जिनकी कॉल पैटर्न्स थोड़ी अजीब है। एक है पंकज त्यागी, इस नंबर पर पिछले 1 हफ्ते में अंकिता ने 11 बार कॉल की है। और वो दूसरा नंबर? सर ये है, कोई नवीन है, लेकिन सर ये पंकज का एकदम ऑपोजिट केस है। पिछले 1 हफ्ते में नवीन ने अंकिता को 41 बार कॉल किए हैं। और नवीन और अंकिता में कभी भी 2 मिनट से ज्यादा बात नहीं हुई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंकिता ने खुद कभी नवीन को फोन नहीं किया। अंकिता लगातार कॉल कर रही थी पंकज को, तो क्या ये कोई लव ट्रायंगल है? अंकिता ने अपने ब्लॉग पर 5 स्टोरी शेयर की। पहली स्टोरी एक ऐसे लड़के की है जैसे मोलेस्ट किया गया। अंकिता ने उसकी स्टोरी उसका नाम बदलकर शेयर किया। बट वी नो हु दिस गाइस जिगर। सर इन कहानियों का अंकिता पे गोली लगने से क्या कनेक्शन हो सकता है? अंकिता सोशली एक्टिव थी, वो स्टूडेंट्स पर होने वाले जुर्म से पर्दा उठा रही थी। हो सकता है उसने किसी अब्यूजर को बेनकाब किया और जिसे बेनकाब किया उसी ने अंकिता पर हमला किया। सर जिगर ने तो अपनी कहानी आके हमें खुद बता दी, लेकिन हम बाकी के सारे स्टूडेंट्स से कैसे बात करेंगे? अंकिता तो अपने ब्लॉग में रियल नाम यूज करती नहीं थी। हमें स्टूडेंट से मिलकर उनको कन्विंस करना पड़ेगा। अब ये सेकंड स्टोरी देखो, जयंती नाम की लड़की की है जिसे उसका फादर ही मोलेस्ट कर रहा था। जयंती की कहानी काफी दुखद थी, लेकिन वो अब अपने पिता के चंगुल से आजाद है। उसकी माँ ने अपनी बेटी पर विश्वास किया और अपने पति से अलग हो गई। अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो पर रोशनी को रोक नहीं सकता, जरूरत है बस कोशिश करने की। और तीसरी स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जिसे ब्लैकमेल करके सेक्स ट्रेड में धकेला गया, लेकिन अंकिता ने उसे कोई नाम नहीं दिया। ऑनलाइन डेटिंग के जाल में एक लड़की बुरी तरह फंस गई। उसके पार्टनर ने उसका वीडियो बना लिया था और उसे ब्लैकमेल कर रहा था, अपनी अय्याशी के लिए उसका सौदा कर रहा था। मैं इस लड़की को आजाद करवा कर रहूंगी।
सर अंकिता तो आउट ऑफ द वे जाके सबकी मदद कर रही थी। जाहिर सी बात है इस नेक काम में उसने कई दुश्मन बनाए होंगे और हो सकता है अंकिता पर हमला उन्हीं में से किसी ने किया हो। सर हमें अंकिता के सारे स्टूडेंट से बात करनी होगी और उनसे जानना होगा कि अंकिता उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक्शन क्या ले रही। करेक्ट, जिगर से कहो सब स्टूडेंट को इकट्ठा करें, मैं उनसे पर्सनली बात करूंगा। सर हेलो सर, गोली चलाने वाले जिस कार में फरार हुए थे हमें वो कार मिल गई है, हाईवे से थोड़ा दूर लवारिस पड़ी मिली। वहाँ हाईवे पर आसपास कोई सीसीटीवी है? नहीं सर, लेकिन एक आई विटनेस मिला है सर जिसने इसी गाड़ी में से दो आदमियों को उतरकर बाइक पर जाते हुए देखा, लेकिन वो बाइक का नंबर नहीं देख पाया। मैंने खबरियों को बाइक की तलाश में लगा दिया सर। इतना तो तय है कि अंकिता पर यह हमला बदला लेने के लिए किया गया था। सर्च करते रहो। आज की डिजिटल दुनिया में 4G 5G की स्पीड से भाग रहे हम, दुनिया बहुत तेज हो गई है, लेकिन दूसरों के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। किसी की तकलीफ समझना, किसी के लिए मदद का हाथ बढ़ाना, करना तो हम सब ये चाहते हैं, करना भी चाहिए, पर वास्तव में क्या हम ये करते हैं? अंकिता एक ऐसी अनोखी लड़की थी जो सिर्फ खुद के लिए नहीं जीती थी, उसे दूसरों के दर्द का एहसास था। उसे कोई क्यों दर्द पहुंचाना चाहेगा? कोई उस पे जानलेवा हमला क्यों करेगा? सवाल कई सारे थे। अंकिता की जिंदगी से जुड़े कई सारे राज अभी खुलने वाले थे। एक और पुलिस तहकीकात में जुटी थी, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स अंकिता की जान बचाने में लगे थे। जितनी जिंदगियों को अंकिता ने छुआ था वो सब उसके लिए दुआएं मांग रहे थे। हमें पता चला है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने अंकिता मिस से अपनी स्टोरी शेयर की थी। हमें शक है कहीं उन पर ये हमला इसी वजह से तो नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स कौन कौन है? डोंट वरी, आपका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा और ना ही आपकी आइडेंटिटी रिवील की जाएगी। बोलिए। रिमेंबर, अंकिता मिस ने कभी आपकी मदद की थी, आज उनके गुनहगारों को पकड़ने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। लड़के ने पेरेंट्स ने हॉस्पिटल में हंगामा खड़ा कर दिया है। क्या कर रहे हो? छोड़िए ना इसे, छोड़ तू साले को। तेरी वजह से मेरी 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 अंकिता आज अस्पताल में, तेरी वजह से। Excuse me, ma'am. हाँ? मैम, मेरा नाम मीतू है। मेरे फादर को उनके किए की सजा दिलवाई थी अंकिता मैम ने। मैम, कहीं मेरे फादर ने तो अंकिता मैम पर हमला नहीं करवाया? आई एम नॉट श्योर, पर जिसने भी करवाया है उसको उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। आप अपने बेटे पर शक क्यों? क्योंकि इसी की बेवकूफी की सजा भुगत रही है हमारी अंकिता। आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी। विमल, अंकिता पर हमला किसने किया था तुम जानते हो? जी, हम कॉलेज के दोस्त मिलकर ये सब करते थे, पैसों के लिए छोटी मोटी रॉबरी और बाइक लूटते थे। जब ये बात अंकिता दीदी को पता चली तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेन कर दी। हम सब माइनर थे इसलिए जुवेनाइल होम भेजे गए। मैंने अंकिता दीदी से वादा किया था मैं ये काम दोबारा कभी नहीं करूँगा, मगर मोनू वो दीदी पर गुस्सा था और जुवेनाइल होम से भाग गया, कभी पकड़ा नहीं गया सर। तो ये हमला मोनू ने किए? हाँ सर, उसी ने किया होगा। कहाँ मिलेगा मोनू? पता नहीं सर, मोबाइल भी बंद करके बैठा है। लेकिन हमारा एक और दोस्त है गोलू, वो जानता होगा कि वो कहाँ पर है। गोलू का एड्रेस? हाँ सर, एड्रेस सर। बोलो। सर अंकिता ने जिन जिन लोगों की मदद की थी सबने आकर अपनी डिटेल्स दे दी है, सिवाय वो बेनाम लड़की, वो अब तक सामने नहीं आई है जिसे अंकिता सेक्स ट्रेड से बचाना चाहती थी। तो फिर वो लड़की कौन हो सकती है? अरे नाजिया, मेरी बच्ची कितनी खूबसूरत लग रही है तुम। अरे बहुत ही खुशकिस्मत है जो इतने बड़े और पैसे वाले घर में तेरा रिश्ता हुआ है। तू तो बस अपने शौहर और उसके घर वालों को खुश रखना। अरे सुनो। हाँ सर। इस लड़की को तुमने ऑटो से छोड़ा था? हाँ सर, इस लड़की को तो मैंने छोड़ा था वहाँ। लेके चलो मुझे वहाँ। चल। अंकिता, देख मैं तेरे लिए क्या लाया। फिर क्या है? खोल के तो देख। खुला। देखो अंकिता, I love you. Please,
प्लीज सॉरी प्लीज माफ कर देना बस 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 ठीक है तुमको माफ किया सर मैं डर गई थी इसलिए वहां से भाग गई माना कि मुझे आप लोगों के पास आना चाहिए था लेकिन क्या तुमने देखा कि गोलियां किसने चलाई सर जिसने गोली चलाई थी उसका मुंह ढका हुआ था लेकिन उसके एक हाथ में उसने ब्रेसलेट पहना था जिस पे सनम लिखा था और कुछ उर्दू से भी छपा हुआ था बोल सर मोनू ने मुझे बोला था अंकिता दीदी का रूटीन निकालने को मोनू ने हमला किया अंकिता पे मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सर मैंने उससे पूछा भी था कि तू क्या प्लान कर रहा है पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया क्या बात है मीतू क्या कुछ ऐसा है जो तुम हमें बताना चाहती हो बोलो डरो मत मैम अंकिता मैम ने हमसे अपना एक सीक्रेट शेयर किया था शायद उस बात का इस केस से कुछ लेना देना हो कैसा सीक्रेट जब मैं 16 साल की थी तब मेरा रेप हुआ था क्या 16 साल की उम्र में अंकिता का रेप हुआ था हमें नहीं पता था कि अंकिता के साथ ऐसा कुछ हुआ था आपकी अपनी बेटी हाँ बोलो सर उस बाइक को पीला कुआं की ओर जाते हुए देखा गया लेकिन उस बाइक ने पीला कुआं का टोल प्लाजा क्रॉस नहीं किया सर हो सकता है कि उस बाइक ने बीच में कहीं पर रास्ता बदल लिया हो मतलब वो बाइक राजनगर और पिलखुआ के बीच में ही कहीं है दो तीन पेट्रोलिंग टीम बनाओ और ढूंढो उन्हें याद रहे वो किसी भी सूरत में बच के नहीं निकलना चाहिए वो बाइक और बाइकर्स मुझे चाहिए हर हाल में ओके सर कौन बोल रहा सर मैं वही गुमनाम लड़की हूँ जिसकी कहानी आपने अंकिता मैम के ब्लॉग पर पढ़ी थी गोविंद नगर पुलिस स्टेशन में अंकिता मैम ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी मेरे लिए आपको वहाँ से सारी डिटेल मिल जाएगी आपको ब्लैकमेल कौन कर रहा था वो कॉलेज का एक नेता था वीरेंद्र प्रताप उर्फ अज्जू सिंह मैं और कुछ नहीं कह सकती पर आप अंकिता मैम के गुनहगार को जरूर सजा दिलवाइएगा हेलो सर जागृति ने गोली चलाने वाले की शक्ल तो नहीं देखी पर ये कहा कि जिसने भी गोली चलाई थी उसके हाथ पर एक ब्रेसलेट था जिस पर सनम लिखा था और कुछ उर्दू में भी लिखा था एक काम करो इस खबर को मीडिया में लीक कर दो लेकिन सर इसे तो क्रिमिनल अलर्ट हो जाएगा डू इट ओके सर पर हां मुझे वीरेंद्र मिश्रा और अज्जू सिंह की डिटेल चाहिए उसकी डिटेल्स गोविंद नगर पुलिस स्टेशन से मिल जाएगी वहां उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था ओके सर एक्सक्यूज मी सर हेलो ठीक है सर नवील मिल गया है जिसने पिछले हफ्ते अंकिता को कई सारे कॉल्स किए थे सर 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 मैंने कुछ नहीं किया पिछले एक हफ्ते में तुमने अंकिता को कई बार कॉल किया क्यों स्टॉक करा था उसे सर प्यार करता था उससे अभी भी करता हूँ दहेज की वजह से उसने मेरे भाई का रिश्ता ठुकरा दिया था सर उसकी यही बात सर मुझे बहुत अच्छी लगी थी शादी करना चाहता था सर उससे लेकिन वो हमेशा मेरे प्यार को ठुकराती रही सर इसलिए तूने उस पर हमला किया गोली चला दी नहीं सर मैंने कोई हमला नहीं किया पंकज कौन है विश्वसनीय सूत्रों से ये पता चला है कि अंकिता सिंह पे जिस लड़के ने गोली चलाई थी उसने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना
पिछले हफ्ते में अंकिता ने आपको कई बार कॉल किया। अंकिता और आपके बीच में क्या रिश्ता? सर प्यार करते थे हम लोग एक दूसरे को, तब हम सिर्फ 16 साल के थे, लेकिन जी जान से चाहते थे एक दूसरे को। सर हमारे प्यार को किसी की नज़र लग गई, उस हादसे के बाद हम दोनों अलग हो गए। लेकिन 2 हफ्ते पहले ही अंकिता ने मुझे सोशल मीडिया पर ढूंढ निकाला और हमने सालों बाद बात की। अंकिता चाहती थी कि हम मिलें, पर मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे इस हाल में देखे। मैं जानता था कि अंकिता मुझे इस हाल में भी खुशी से अपना लेती, लेकिन मैं इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता था। मैंने मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी वो मुझे फ़ोन करती थी। हेलो, मुबारक हो बेटा, मुबारक हो, और आप सब लोगों को मुबारक हो। मंगनी के इस पाक मौके पर तुम लोगों का क्या काम? और क्या तुम जानते नहीं आज मेरे भतीजे की मंगनी हो रही है? चाचा जी दफा करें इन्हें। और तुम अंदर कैसे चले आए? किसने बुलाया तुम्हें? मैंने ही पुलिस को बुलाया है फारूक। नाजिया तुमने? मैं तुम जैसे इंसान से कभी मंगनी नहीं करूंगी। अंकिता सिंह पे जिस लड़के ने गोली चलाई थी उसने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना था और उस ब्रेसलेट पे सनम लिखा था और उर्दू वर्ड के कुछ अल्फाज लिखे हुए थे। अगर आप में से किसी ने भी ऐसे व्यक्ति को देखा हो जिसने ऐसा कोई ब्रेसलेट पहना हो तो कृपया जो नीचे दिए गए नंबर है उस पे कॉन्टेक्ट करें। नाजिया हमने क्या किया है? नाटक बंद करो फारूक, लगता है मेरा तोहफा तुम्हें रास नहीं आया। पोल खोदी तुम्हारी इसी तोहफे ने। ये वही ब्रेसलेट है जो मैंने इसे दी थी तोहफे में और इस पे उर्दू में इसका नाम लिखवाया था फारूक। और किसी की जान लेने की कोशिश करने के बाद यहां मुझसे मंगनी करने आए हो? कितने घटिया इंसान हो तुम फारूक। मेरी बेटी किडनैप होने वाली बात को तो 8 साल हो चुके हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा वो अतीत हमारी जिंदगी में फिर से कहर बनकर टूटेगा। अरे कोई है? मेरी बच्ची किडनैप हो गई है, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? अरे कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है यार? मेरी साहब कब आएंगे? आप मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए ना, जब तक वो नहीं आते तो। मेरी बच्ची गुम हो गई है, अरे कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? कोई नहीं सुनेगा आपकी, अगर आपने हमारी नहीं सुनी तो। क्या बोल रहे हैं आप? दरअसल हमारे भतीजे फारूक से एक गलती हो गई है, उसका दिल आ गया है आपकी बच्ची पर, इसीलिए उसे उठा लिया। आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द सही सलामत आपकी बच्ची आपके पास पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आपने पुलिस में कंप्लेंट की तो हमारे फारूक से ज़्यादा नुकसान आपका होगा। अंकल जी अंकिता के बालिग होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, 18 की होते ही उठा ले जाऊँगा। और देखिए परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, अब निकाह तो मुझसे ही होगा। अंकिता का नया नाम भी सोच लिया है, अंकिता उर्फ अरफा। हमारी बच्ची को उसे बचाने के लिए हमने मेरठ ही छोड़ दिया और गाजियाबाद आ गए। हमारी बच्ची का उस कमीने ने क्या हाल कर दिया है। कई बार कहा अंकिता से कि मुझसे निकाह कर ले, पर वो समझ ही नहीं रही थी। इतनी रिक्वेस्ट भी की पर कुछ काम नहीं आया। तो नाजिया से मंगनी कर रहा था, फिर अंकिता को क्यों मारा? नाजिया से मंगनी तो मैं परिवार के दबाव में कर रहा था, प्यार तो मैं अंकिता को ही करता था। और अपने पहले प्यार को भुलाना आसान नहीं होता, कैसे बर्दाश्त कर लेता कि मेरे होते हुए अंकिता किसी और की हो जाती? नहीं, मुझे ये मंजूर था ही नहीं। तो ये था ना वो जिसने अंकिता का रेप किया और पंकज का पैर तोड़ा? मेरी जागीर पर नजर डाली उस पंकज ने, तो क्या करता, छोड़ देता? सजा तो मिलनी चाहिए थी उसे, जो मैंने दे दी। सोचा था अपनी अंकिता को एक बार प्यार करूंगा तो मेरी दीवानी हो जाएगी,
यकीनन उसे भी बहुत मजा आया होगा। अंकिता का कमीना बाप उसे शहर से बाहर भगा कर ले गया। हर जगह ढूंढता रहा मैं अपनी अंकिता को, 8 साल तक तड़पा। फिर एक दिन अंकिता सोशल मीडिया पर नजर आई। पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी मेरी अंकिता, और मैं पहुंच गया उसके पास। तुम जानवर हो, तुमसे शादी करने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। मेरे सब्र को मत आजमा अंकिता, 1 महीने की मोहलत देता हूँ, निकाह के लिए राजी हो जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना समझाने की कोशिश की अंकिता को, पर वो मेरे प्यार को समझ ही नहीं रही थी। 1 महीने की मोहलत भी दी मैंने उसे कि निकाह के लिए राजी हो जा, और आज 1 महीना पूरा हुआ। मजबूर था मैं, अगर अंकिता के रहते निकाह कर लेता या मंगनी करता तो मेरे प्यार की हार होती। इसलिए मैंने एक कन का जुगाड़ किया और अपने आप को अंकिता के प्यार के बंधन से और अंकिता को उसकी जिंदगी से आजाद कर दिया। सकती तो मैं उसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। उसकी ना में ही हाँ छुपी है। मतलब क्या है इसका? ना का मतलब ना ही होता है। लेकिन हमने अक्सर ये लाइनें फिल्मों में सुनी है, तालियां भी बजाई हैं सुनके। लेकिन कहीं ना कहीं यही डायलॉग्स हमारे समाज में मर्दों की सोच बताते हैं। एक लड़की की ना एक लड़के के लिए ईगो इशू क्यों बन जाती है? एक लड़की की मर्जी, उसकी पसंद नापसंद मायने क्यों नहीं रखती? ये सवाल पूछना जरूरी है, इसका जवाब जानना जरूरी है। हमें मानना होगा कहीं ना कहीं हम अपनी परवरिश में चूक रहे हैं। बच्चे अपने आसपास के माहौल से, अपने घर से ही ये सब सीखते हैं। जब बच्चे अपने से बड़ों में देखते हैं बात बात पे लड़ना, जिद करना, लड़कियों पे भद्दे कमेंट्स करना, लड़कियों का मजाक उड़ाना, उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल है, मर्दों का ऐसा ही बिहेवियर होना चाहिए। और यहीं से हम गलत परवरिश की शुरुआत करते हैं। एक माँ, एक बहन, एक फीमेल कॉलीग या आपकी दोस्त, वो सब इस समाज में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। उनका अपना एक वजूद है एंड दे डिजर्व योर रिस्पेक्ट। औरत को देवी मत मानिए, इंसान मानिए। बदलाव की शुरुआत यहीं से होगी। हम कहते हैं कि औरत और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, पर इस बात पर हम अमल नहीं करते। 2020 खत्म होने जा रहा है, आइए 2021 में हम खुद से ये वादा करें कि हम अपनी सोच को बदल देंगे। और हर औरत जो अपने ऊपर हो रहे अन्याय को एक आम बात समझकर नजरअंदाज कर देती है, अब से वो इन बातों को नजरअंदाज नहीं करेगी। 2021 की औरत ये मान लेगी कि वो अबला नहीं है। अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पे वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.